स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं आज कैसा रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं क्या रहेगा आज मौसम का हाल। पहाड़ से मैदान तक बारिश, जाने आपके राज्य के मौसम का हाल। देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर हो रही मानसून की बारिश आफत बन गई है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की खबरें सामने आ रही है। दिल्ली NCR में चढ़ेगा पारा, इन राज्यों में होगी बारिश, जाने देश भर का मौसम। देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर हो रही मानसून की बारिश आफत बन गई है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं भारी बारिश देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और नई दिल्ली में बारिश गर्मी से राहत लेकर आई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून के पहुंचने के साथ ही बारिश शुरू हो गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह हल्की से मध्यम बारिश होने के बाद इस साल जून में सामान्य मासिक बारिश का आंकड़ा पार हो गया। वहीं अगर कल की बात करें तो राजधानी का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री रहा, सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 24.5 डिग्री रहा। हवा में नमी का स्तर 67 से 100% तक रहा। दिल्ली सफदरजंग में 5.7 mm, पालन में 1.4 mm, लोधी रोड में 11.2 mm, रिज में 11.2 mm, आया नगर में 36.6 mm, गाजियाबाद में 2.5 mm, जाफरपुर में 1 mm, मंगेशपुर में 51 mm, नजफगढ़ में 5.5 mm, पूसा में 52.2 mm, CWG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 0.5 mm, मयूर विहार में 8 mm बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी आसमान में बादल छाए रहे, हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहेगा। उमस वाली गर्मी आज भी परेशान करेगी, हल्की बारिश होगी। कल बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 1 जुलाई को भी हल्की बारिश होगी। 2 और 3 जुलाई को बारिश हल्की होगी, तापमान बढ़ना शुरू हो जाए। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ है और यह पिछले 3 दिनों से संतोषजनक श्रेणी में बना हुआ है। कल शाम 4 बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के राष्ट्रीय बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का AQI 86 दर्ज किया गया। एक दिन पहले इसी समय 93 था। पूर्वानुमान बताते हैं कि AQI के शुक्रवार तक संतोषजनक श्रेणी में रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहें मौसम की ताजा जानकारी से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।